ओके तो सबसे पहले बात करते हैं कोरियन स्टीमर के बारे में जो कि अभी मुंबई इंडिया आई हुई है। बेसिकली वो मुंबई में घूम रही थी और साथ ही साथ उसका स्ट्रीम भी कर रही थी, तभी कोई अचानक से बंदा आता है और उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। शायद उस बंदे को पता नहीं होता है कि अभी स्ट्रीम चल रहा है और बहुत सारे लोग है जो कि उसको लाइव देख रहे हैं ये करते हुए। अभी बंदे यहीं पे नहीं रुकते, जब इनके साथ ये होता है तो ये वहां से निकल जाती हैं किसी भी तरीके से, बट अभी भी ये बंदे इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, इनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। अब जब ये चीजें इनके साथ हुई थी ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए साथ ही साथ इसके बारे में बताते हुए मुंबई पुलिस को टैग किए, जिसका रिप्लाई भी मुंबई पुलिस की तरफ से आ गया है, तो मैं भी उन बंदों के ऊपर एक्शन लिया जाने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। तो अभी आपको पता हुआ कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल जूरी के हेड नादो लैपिड द कश्मीर फाइल्स मूवी को बोले थे कि एक प्रोपगंडा एंड वल्गर मूवी है। सेम पर्सन अभी इसी मूवी को बता रहे कि एक ब्रिलियंट मूवी है, नो वन कैन डिटरमाइन व्हाट इज प्रोपगंडा। अब इसके बाद द कश्मीर फाइल्स मूवी के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री भी रिएक्ट किए, वो लिखे एन एग्जांपल ऑफ फासिस्ट एंड पोलराइज्ड वर्ल्ड। अलसो इसके बाद एक और ट्वीट किए जहाँ पे लिखे थे वर्ल्ड मोस्ट ऑनेस्ट मैन। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो अभी आपको पता हुआ कि रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी के एक पत्रकार थे बट अभी वो वहाँ से रिजाइन दे दिए हैं। सो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी एक ट्वीट किए जहाँ पे लिखे थे एंड ऑफ एन एरा, गवर्नमेंट विल मोस्ट लाइकली नॉट ग्रांट लाइसेंस टू एनी फ्यूचर इंडिपेंडेंट टीवी न्यूज चैनल, सो दिस कैन बी इफेक्टिवली कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ टीवी जर्नलिज्म इन इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं धीरू मंची के बारे में। तो शायद उनका अदनान 07 और उनके भाई के ऊपर एक डिस्ट्रैक आने वाला है, क्योंकि इस बारे में अपने लेटेस्ट वीडियो के अंदर बात की हो, क्या बोले आप लोग खुद देख लो। ट्रैक का जो नाम है वो है कोई ना आप खास, तुम्हें सुन के लग रहा थोड़ा साइड साइड सा है, ऐसा ही है कुछ, तुम्हें जब सुनोगे तब पता लगेगा। और ये गाना मैं तुम्हें सुनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, भी मैं शायद इस चैनल पे जो उसका सिर्फ ऑडियो पोस्ट करने वाला हूं, अभी कंफर्म नहीं हूं मैं, परसों नहीं तो मैं शायद वीडियो भी डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा। अगर वीडियो इस चैनल पर नहीं आएगा तो मेरे म्यूजिक वाले चैनल पर ऑफिशियल वीडियो आएगा, तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या कैसे हो रहा है। मुझे इस गाने पे तुम्हारा पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए गाइस, पिछले गाने की तरह नहीं कि तुमने सुन के बस छोड़ जाए। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं थगेज के 1000 बिलियन डॉलर सेटअप के बारे में। इसका वीडियो उनके चैनल पे अपलोड हो गया है जिसे आप जाके देख सकते हो, तो उसी वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देते हैं जहाँ पे वो अपने जर्नी के बारे में बात किए हैं। हमने एक छोटे से वॉल से शुरुआत की थी, उसके बाद एक पीसी आया हमारे सेटअप में एंड देन वो सेटअप जो बहुत टाइम तक चला, ये सीए रूम में हम शूट किया करते थे। तो थैंक्स टू यू गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत किया ये ऑफिस बनाने में। एक्चुअली ना ये खाली डब्बा मिला था हम लोग को, एक खाली डब्बा मतलब खाली डब्बा, पानी का टंकी तक नहीं था यहाँ पे। मैं वीडियोस दिखा दूंगा आपको। ये जैसा मैंने बोला ऐसा खाली डब्बा मिला था हम लोग को, इसमें कुछ नहीं था, तुम लोग देख सकते हो। एंड धीरे धीरे फिर इस पर मार्किंग्स की एंड काफ़ी मंथ्स तक इस पर काम चला, धीरे धीरे पिलर्स खड़े किए एक टाइप से। एंड एज यू कैन सी अभी अभी सेटअप को देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे मीम्स रिव्यू के लिए ऐसे सेटअप की क्या जरूरत है, देन उसका वो क्या रिप्लाई दिया आप लोग खुद देख लो। बाकी तुम लोग सोचते रहेंगे थगेश भाई मीम रिव्यू करने के लिए इतना बड़ा ऑफिस क्यों लिया, मैं एग्री करता हूँ जरूरत नहीं है, लेकिन 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 हमने ऑफिस खोला है जो इसके पीछे है उसके लिए। एक्चुअली मैं बनाने भी नहीं वाला था लेकिन उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री मैंने ऑफिस बनाया आप सबकी वजह से। भाई इस वीडियो में कहीं भी नहीं बताया कि इस दरवाजे के पीछे है क्या, तो मे भी आने वाले वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। कि आपको कुछ आइडिया लगता है कि इसके पीछे क्या हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, होप कि आज का वीडियो आपको सही लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।